हृदय सम्राट बालासाहेब ठाकरे समृद्धि महामार्ग पर वन्य प्राणियों के आवागमन के लिए बने ओवरपास का हिस्सा रविवार की देर रात ढह गया। इसके साथ ही 2 मई को इसका लोकार्पण भी डाल दिया गया। नई तिथि का ऐलान भी नहीं हुआ है, बस इतना कहा जा रहा है कि ओवरपास बनाने में 1.5 महीने का समय लगेगा। सार्वजनिक उपक्रम मंत्री एकनाथ शिंदे ने 22 अप्रैल को महामार्ग का अवलोकन कर ऐलान किया था कि 2 मई को नागपुर से वाशिम जिले के शेलू बाजार तक के 210 किलोमीटर महामार्ग का लोकार्पण किया जाएगा। इस दौरान शिवमड़का स्थित महामार्ग के एंट्री पॉइंट से 15 किलोमीटर दूरी पर वन्य प्राणियों के लिए ओवरपास का निर्माण आरंभ था। इस ओवरपास का डोम बनकर तैयार था, उसके नीचे से आसमान नहीं दिख रहा था। इस संरचना के हिस्से में लगी स्ट्रिप नहीं दिख रही। स्थानीय श्रमिकों के अनुसार पुल की 16वें नंबर की स्ट्रिप ढह गई। MSRDC के अधिकारी संदर्भ में चुप्पी साधे हुए हैं। वे केवल इतना कह रहे हैं कि 105 आर्क स्ट्रिप में से कुछ हिस्सा दुर्घटनाग्रस्त हो गया, लेकिन स्थानीय अधिकारी ये नहीं बता रहे कि हकीकत में हुआ क्या है। MSRDC का कहना है कि अब विशेषज्ञों से चर्चा कर नई तकनीक से सुपर स्ट्रक्चर बनाने का फैसला हुआ है। ये काम 1.5 महीने में पूर्ण होगा। चूंकि काम अधूरा है, इसलिए इस महामार्ग को आम जनता के लिए नहीं खोला जा सकता। इसी वजह से लोकार्पण को टाल दिया गया है। Love you, Deepika. Bye. सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।